पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा के एमएम फार्म हाउस पर देशी नस्ल की एक दर्जन से ज्यादा गाय पाली जा रही हैं। पूर्व विधायक ने लोगों से अपील की कि गाय में देवताओं का वास होता है, इसलिए हर सनातनी को अपने घर में गाय की सेवा करनी चाहिए। भारत में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, यही वजह है कि पुरातन काल से लोग गाय का पालन पूरी आस्था से करते हैं। केवल यही नहीं, रसोई की पहली रोटी गौग्रास के रूप में निकाली जाती है। पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा भी गौ प्रेमी हैं और उनकी निजी गौशाला में एक दर्जन से ज़्यादा गाय रह रही हैं। मारवाड़ी, गिरी एवं महिवाल जैसी अच्छी नस्ल की इन गायों की बेहतर देखभाल की चिंता खुद मधुसूदन शर्मा करते हैं। उनकी माने तो गौ सेवा उन्हें विरासत में मिली है। उनके मुताबिक गाय की सेवा करने से जो आनंद मिलता है उसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। पूर्व विधायक ने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपरा के अनुसार हर घर में गाय होनी चाहिए, लेकिन आधुनिकता के नाम पर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा द्वारा पाली जा रही दर्जनों गायों का यह मामला क्षेत्र में सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए, हमारे पिताजी भी जब फतेहाबाद और हम गांव में रहते थे तब जो गाय पालते थे, और हिंदू धर्म में गायों पालने की एक बहुत आस्था है और पालनी भी चाहिए। गाय पालने से सारे जितने भी पाप हैं धुलते हैं और एक नई जागृति मिलती है। गाय सेवा, गाय के अंदर 36 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं। जहाँ गाय रहती है वो घर पवित्र रहता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ हर घर में एक गाय होनी चाहिए। हिंदुओं में अगर आस्था गाय के लिए है तो सबसे बड़ी आस्था गाय के लिए है पालने की। तो ये गाय की सेवा है। ये सब देसी गाय है, मारवाड़ी है, गिरी है, साहिवाल है, और इनका पालन बड़ी सेवा हो रही है। हमें बड़ी खुशी है, हमें ये सौभाग्य मिल रहा है गाय पालने का। ये 10-12 गाय है हमारे पास, 5-6 बछड़े भी हैं उसके, गायों के बच्चे भी हैं। ये सेवा हो रही है, ये बाहर की नहीं है, ये हिंदुस्तान की गाय है। जो कहना चाहिए देसी गिरी गाय होती है, साहिवाल होती है, मारवाड़ी होती है, ये गाय। रेटों की कोई बात नहीं है, ये तो सेवा है, सेवा के लिए उद्देश्य है, रेटों की कोई बात नहीं है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।